हेलो दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भैया आज आप लोगों से यार बहुत सारी बातें करना चाहता है। आज मैं बहुत इमोशनल हूँ यार, बहुत सैड हूँ। आप सबको पता है यार अपनों को खोने का गम क्या होता है। आज मैंने किसी अपने को खोया है और हम चाह करके भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। और कभी कभी यार जीवन में ना हम लोगों के साथ ऐसा होता है यार कि जिसे हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं या हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे हम सच में इंपॉर्टेंट देते ही नहीं हैं, और वो हमें छोड़कर कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आज मैंने किसी अपने को खोया। संसार का नियम है हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे। इस महामारी के दौर में आज भी कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लोग मर रहे हैं, उन्हें उसकी चिंता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यार न्यूज कि कुछ चाटुरुकता करने वाले चाटुकार पत्रकार अब भी चाटुकारिकता करते हैं, दलाली करते हैं। यार तुमसे अच्छा तो वो दलाल होता है, कम से कम वो ईमानदारी से दलाली करता है, तुम तो उसके भी काबिल नहीं हो। अगर तुम लोगों में सही बोलने की क्षमता नहीं है तो गलत मत दिखाओ। अब रोटियां मत सेको, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? दुनिया मर रही है और तुम लोग अपनी राजनीतियां लगाए हुए हो। दोस्तों हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और लाइफ में कुछ ना करना पड़ेगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं करता। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर मैं आपको बताऊं, जो इंसान छोड़कर मेरे लिए चला गया ना, मैं खुद अपनी बात करता हूं कि मैंने अपने जीवन में उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो कुछ वक्त पहले आए एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नामक प्राणी होता है। हम सब यही करते हैं यार, हमारे दिल से उनके लिए बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, लेकिन अब वो शख्स हमारे बीच नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ यार। और मैं तुम लोगों को भी बोलता हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नामक प्राणी से दूर निकल जाओ, वरना ज़िंदगी में क्या होगा ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम सही गलत का फैसला नहीं ले सकते क्योंकि तुम एलिजिबल नहीं हो, नहीं बोल पाओगे, और लोग तुम्हें इतना चूसेंगे ना पेल के छोड़ देंगे। बेहतर है उनको ऐसी नसीहत दो ना, उन्हें छोड़ दो, उनकी लाइफ से दूर हो जाओ, उन्हें जो कर रहे हैं वो करने दो, तुम खुद कुछ करके दिखाओ। बाकी यार यही बोलना है दोस्तों, जितना जल्दी हुए संभल जाओ, वरना जमाने ने संभला दिया ना तो किसी काबिल नहीं रह जाओगे। ये सपने ये अरमान सिक्कों का खेल नहीं है, ये सपने ये अरमान सिक्कों का खेल नहीं है, कभी कभी रिश्ते भी दांव पर लगाने पड़ते हैं। बाकी जय हिंद जय भारत। फिर मिलेगा आपका गोल्डन भैया, तब तक के लिए नमस्कार सत श्री अकाल।